विद्यार्थी काफ़ी सालों से परेशान है कि विद्यालय हो जाए, यहाँ पे कोई मीटिंग स्थल भी हो जाए, विद्यालय के साथ साथ हमारा विकास होगा गांव का। और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो दूर पढ़ने जाते हैं यहीं पे शिक्षा का ग्रहण करें, और यही सब बातें हैं। और काफ़ी सालों से हम लोग प्रयासरत हैं, हम लोगों ने कई नेताओं से संपर्क किया, वो लोग आश्वासन दे के रह गए, संबंधित अधिकारी कर्मचारियों से भी हमने संपर्क किया, वो लोग आश्वासन देते रह गए। तो हम लोग चाह रहे हैं कि मीडिया के माध्यम से ये मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे ग्राम सभा हसनपुर में विकासखंड मिर्जापुर में ये जो ज़मीन है ये खाली पड़ी है। कितना नंबर का होगा? 314-15 कड़ी बता रहे हैं ये। और घाटा संख्या, घाटा संख्या ढूंढ लिया जाएगा बाद में। तो हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ पे एक विद्यालय बने और हमारे ग्राम सभा के बच्चे जो है दूर ना जाएं, यहीं पे शिक्षा ग्रहण करें। ठीक है सर। और भी हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं काफ़ी दिनों से हैं, हमारे ये चाचा हैं बल्लू जी। आपका नाम? बल्लू राम। ये जगह किस लिए है? ये स्कूल के लिए है। कितने दिन छुट्टी है ये? अरे बहुत दिन हो गया, बहुत कम से कम 20-25 साल हो गया, ज्यादा ही, बल्कि चकबंदी के समय खुला हुआ है। अरे 40 साल हो गए। हाँ जी, हाँ जी सर। मैं सेंट्रल से गुजरात से पीएचडी कर रहा हूँ। तो एजुकेशन के इम्पोर्टेंस को, मतलब शिक्षा के महत्व को मैं बहुत करीब से समझ सकता हूँ, उसको बहुत गहराई से समझ सकता हूँ, क्योंकि मैंने लाइफ से संघर्ष किया, उसको मैंने देखा है। तो खासकर और हमारे यहाँ लड़कों को तो थोड़ा सा सुविधा मिल जाती है, यहाँ पे स्कूल है नहीं, जैसा कि और हमारे लोगों ने बताया है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और विकास के लिए कितना मुश्किल हो रहा है, ये लोग शिक्षित नहीं हो रहे हैं। तो लड़कों की बात तो ठीक है, वो थोड़ा संघर्ष करते हैं अगल बगल के गांव में चले जाते हैं, पर जो हमारे यहाँ लड़कियाँ हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे यहाँ कि एक स्कूल की व्यवस्था हो, और अच्छा है कि ज़मीन खाली भी है, और इसमें अगर गवर्नमेंट चाहेगी, सरकार चाहेगी और लोग चाहेंगे, जो मतलब शिक्षा जो सभी विकास चाहते हैं, देश का विकास चाहते हैं, तो उनको भी इस मुख्यधारा से जोड़ने के लिए हमारे गांव को भी इसमें कंसीडर करेंगे, उसे मतलब इंक्लूड करेंगे और इसको जो है आगे बढ़ाया जाएगा। तो मेरी अपील है कि जो भी जहाँ तक मेरी बात पहुँचेगी या जो भी मेरी बात को सुनेगा, वो जो है स्कूल हमारे यहाँ आंदोलन से जुड़े, हम लोग भी एक आंदोलन शुरू करेंगे यहाँ पे कि स्कूल बने, और खासकर हमारी जो बच्चियाँ हैं, हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं, वो जो है आगे बढ़ सके, हमारे गाँव का विकास हो सके। आप नाम बोलिए सर? लल्लू। लल्लू जमीन छुट्टी है, यहाँ पर स्कूल बनना चाहिए कि नहीं? नहीं, बहुत जोर शोर से बनने की चाहिए। आप लोग क्या चाहते हैं? गांव लोग, गांव के लोग भी चाहते हैं कि बने। जी क्या सर, ये जो जमीन छुट्टी हुई है, गांव वालों का कहना है कि यहाँ पे स्कूल बनना चाहिए, जरूर बनना चाहिए। तो सर आपका इस पे क्या कहना है? इसको कहना है कि आजमगढ़ के जिलाधिकारी के निर्देशों का हो रहा उल्लंघन, फूलपुर निजाम